मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोज यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ में तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाएं। अब एक गुजारिश कमल नंदलाल की तरफ से, वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि मित्रों आपका एक शेयर आपके किसी अपने की, किसी आपके दोस्त की, किसी आपके हमदर्द की, किसी आपके खास की जीवन को अच्छा बना सकता है, उसे संवार सकता है, आपके जीवन को उज्जवल भी बना सकता है, और साथ साथ उस व्यक्ति के जीवन को भी उज्जवल बना सकता है जो आप शेयर करते हैं। इसलिए शेयर करें। तो चलिए सीधा बात करते हैं आज के विषय पर। आज का जो विषय है ना, ये बड़ा खास है और बहुत आम भी है। जहां बर्तन है वहां टकराएंगे तो सही। शादीशुदा जीवन की जो गाड़ी है ये दो पहियों पर चलती है, और ऐसे में छुटपुट नोकझोंक हो तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर कहीं एक कलह हो जाए, दाम्पत्य कलह हो जाए, झगड़ा बढ़ जाए, तो बड़ा दुखदाई सिचुएशन है। ऐसे में आपको जरूर बताऊंगा आज कुछ खास। देखिए, विशेष तौर से आपको एक बात बताना चाहूंगा। सास और बहू में आपसी मनमुटाव जायज है, लेकिन जब ये उपाय, जब ये, क्षमा कीजिएगा, जब ये चीज कलह में तब्दील हो जाए और घर टूटने लगे, तो ऐसे में एक विशेष जरूर आपको काम करना चाहिए। एक राम और सीता की बड़ी तस्वीर घर में लेकर जरूर आए, और इस को ऐसे दीवार पर लगाएं कि जिससे राम जी जो हो उनकी पीठ उत्तर की तरफ और राम जी दक्षिण में देख रहे हैं। फिर जब भी सास और बहू में झगड़ा हो तो कम से कम 5 मिनट तक बिल्कुल शांत होकर, एकाग्रित होकर उस तस्वीर की तरफ देखते रहें, और मन ही मन में विचार करें कि हमारा विवाहित जीवन जो है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। अगर यही झगड़ा जीवन साथी के साथ में भी हो तो सेम प्रोसेस आप ये जरूर करें, और विशेष रूप से ध्यान रखें, राम और सीता आदर्श हैं, और विशेष इस तस्वीर को लगाने के साथ साथ हर बृहस्पतिवार लाल और पीले फूलों की मिक्स माला वो जरूर इस पिक्चर पर चढ़ाएं, और विशेष प्रतिदिन इस पर धूप, दीप, पुष्प, गंध और नैवेद्य इसका जरूर पालन करें। निश्चित रूप से दाम्पत्य के कलह के जो झगड़े हैं, यानी कि शादीशुदा जीवन में जो झगड़े हैं, वो जरूर खत्म होंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक, और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर, कुछ सुंदर और कुछ सक्सेसफुल हो। लेकिन हाँ, जाने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगा, शेयर तो बनता है, कमल नंदलाल ये कहता है, इसलिए शेयर जरूर करें। तो अब अपने मित्र को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।